बेरियाट्रिक सर्जरी एक मेटाबॉलिक सर्जरी है जो बाहर से आपकी बनावट इनिशियली नहीं ठीक करती, स्लोली एंड स्टेडली करती है, पर आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदलती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का रीज़न ये जीन्स पर होता है, जेनेटिक्स जो पेशेंट्स के होते हैं। ऑपरेशन से पहले हमें पेशेंट को वर्कअप करना होता है ये देखने के लिए कि पेशेंट कितना फिट है। फीमेल और मेल में सर्जरी की जो टेक्निक है, तरीका है, सारी चीज़ें सेम है। मोस्टली जब हम सर्जरी करते हैं तो डेफिनेटली उसकी डाइट काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हमें उस डाइट को अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट को गाइड भी करना पड़ता है किस तरीके से लेना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा विषय जिससे अक्सर के सभी परेशान हैं, अपने मोटापे से, अपने वजन से। कई बार कई लोगों के अंदर वजन को लेकर के कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक हम नॉर्मल मोटापा देखते हैं, हम कहते हैं कि बैठे रहने से या अपनी मूवमेंट कम करने से हमारा वजन बढ़ गया है या टम्मी बढ़ गया है। ये नॉर्मली हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आजकल बच्चे भी कुछ बहुत ज़्यादा वज़न को लेकर के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स कुछ और तरीके की भी होती हैं, लाइक उनका ना खाना खाने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है, उनकी फूड हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक मोटे आदमी के लिए हम देखें कि अगर वो 4 रोटी खाता है तो वहीं वो आदमी 15-20 रोटी भी खा लेता है, जिसको कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। उनकी जो खाने की, हमारे पेट में जो खाने की जो थैली होती है, वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी नहीं भरती। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए एक सर्जरी आई है, बैरियाट्रिक सर्जरी। इस सर्जरी के दौरान पेट के अंदर ऑपरेशन करके, ओपन ऑपरेशन भी होता है और लेज़र से भी होता है, जिसमें हमारा खाना जाता है हम उसका साइज ऑपरेट करके छोटा कर देते हैं ताकि मरीज का पेट कम खाने से भी भर जाए। ये सर्जरी कैसे होती है, इसमें कितना वक्त लगता है, इसके बाद क्या रिजल्ट आता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, आज हम जानेंगे डॉक्टर भारद्वाज से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरुण भारद्वाज है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ जनरल लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और GI सर्जन प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉपिक बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी, मोटापे की सर्जरी, जो आप कई बार सुनते हो। तो उससे रिगार्ड्स कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑडियंसिस के मन में, तो वो उन सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ। बेरियाट्रिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी से थोड़ी अलग है। जैसे हम कई बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हम लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक लाइपोसक्शन या कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी एक मेटाबॉलिक सर्जरी है जो बाहर से आपकी बनावट इनिशियली नहीं ठीक करती, स्लोली एंड स्टेडली करती है, पर आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदलती है जिससे आप एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस अचीव कर सकते हैं, जो कि बाकी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक प्रोसीजर से पॉसिबल नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिकली हाई BMI पेशेंट्स में की जाते हैं, जिनका ऑलमोस्ट अपने वेट से 80, 70, 60 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट होता है, बिकॉज इसका वेट लॉस की क्षमता ऑलमोस्ट 60-80% ऑफ द एक्सेस वेट आप इस सर्जरी से लूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये बाकी भी बीमारियों में हेल्प करती है, जैसे कि डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में, थायराइड की बीमारी में, जॉइंट पेन, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, हार्ट डिजीज़, इन सब में इसका डेफिनेटली फ़ायदा माना गया, जो कि बाकी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में नहीं होता है। ये जो सर्जरी है इसका नाम सिर्फ बेरियाट्रिक नहीं है, इसका नाम एक तरह से बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी है। मेटाबॉलिक इसलिए बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है, और उसे क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये उन पेशेंट्स में होता है जिनमें मेटाबॉलिकली इशूज़ होते हैं, हार्मोनल इशूज़ होते हैं, इसीलिए उन्हें करेक्ट करने के लिए ये सर्जरी की जाती है, जिससे उनकी बाकी भी इश्यूज़, जैसे डायबिटीज़, मैंने बताया डायबिटीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। हम लोग कई पेशेंट्स में ये सर्जरी करते हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होते हैं, जो कई 80 यूनिट, 100 यूनिट, 125 यूनिट इंसुलिन ले रहे होते हैं। सर्जरी के बाद वेट लॉस के साथ साथ उनकी डायबिटीज़ की, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, या कई पेशेंट सिर्फ टैबलेट पर शिफ्ट हो जाते हैं, और जो टैबलेट पर होते हैं उनकी टैबलेट भी बंद हो जाती है, तो इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट भी होता है। इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ वेट लॉस के लिए होती है, वेट लॉस के साथ साथ बाकी भी और बीमारियों में हेल्प करती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का रीज़न ये जीन्स पर होता है, जेनेटिक्स जो पेशेंट्स के होते हैं। कई पेशेंट्स जिन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीरोमॉर्फ, आप कई बार कहेंगे, देखेंगे पेशेंट्स ना, कई पेशेंट्स कहते हैं कि मैं बहुत खाता हूँ मेरा फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, और कई पेशेंट्स होते हैं जो एक या दो रोटी, उनका हमेशा ये कहना होता है कि मैं तो 2 रोटी खाता हूँ फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है।
तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म इनहेरेंट होता है, आपके जीन्स में होता है। आप कई बार ये भी देखेंगे कि पेशेंट जो फैमिली होती है, उन फैमिली में आपको कई मोटे लोग एक साथ मिलेंगे, मतलब माता पिता बहन भाई, कई लोग का वेट उसी पैटर्न में रहता है और वेट गेन होता है। तो ये जेनेटिकली पेशेंट्स में रहता है और इसको चेंज करने के लिए ही या इसी को मॉडिफाई करने के लिए ही हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। जो ये सर्जरी करने का तरीका है, बेसिकली सबसे कॉमन जो किया जाता है वो दूरबीन से किया जाता है, जिसे हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं, लेमन टर्म में लेज़र। एक्चुअली लेज़र नहीं होता है, दूरबीन का ऑपरेशन होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें छोटे छोटे 5-6 कट किए जाते हैं, आधे आधे एक एक सेंटीमीटर के, और पूरा ऑपरेशन उससे हो जाता है। तो इसमें बड़े चीरे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और अभी रिसेंट टाइम्स में इवन रोबोटिक तरीके से भी, रोबोटिक टेक्निक से भी ये सर्जरी हो रही है। तो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक से होने की वजह से छोटे छोटे कट्स होते हैं, पेशेंट यूजुअली दूसरे या तीसरे दिन अपने घर चले जाते हैं, और हफ्ते 10 दिन में उनके थोड़े बहुत जो स्टिच होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, स्टिच लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मोस्टली जब हम सर्जरी करते हैं तो डेफिनेटली उसकी डाइट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और हमें उस डाइट को अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट को गाइड भी करना पड़ता है किस तरीके से लेना है। लेकिन 1.5-2 साल में धीरे धीरे डाइट बढ़ती है, कभी उस लेवल तक नहीं जाएगी जितनी पहले थी, लेकिन डेफिनेटली बढ़ती है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट सिर्फ सर्जरी पे डिपेंडेंट ना रहकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, सिलेक्टिव डाइट, जिसमें कैलोरी का अपना ध्यान रखना, ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये आपको वो इनिशियल हेल्प देती है जो एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस देता है, और आगे फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है उस वेट को मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली वजन का क्राइटेरिया एग्जैक्टली इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज हर एक पेशेंट का हाइट डिफरेंट है। तो जो वेट, मतलब एक 80 किलो का वेट जो एक 5.5 फुट के या 5'9" के पेशेंट के लिए ठीक है, वही 80 किलो एक 5' या 4'10" वाले के लिए ज़्यादा है। तो इसे हम बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स करके एक क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं। तो ये BMI आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें BMI बॉडी मास इंडेक्स आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो WHO के डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, उसमें अगर आपका BMI 40 से ज़्यादा है और आपने वेट लॉस की कोशिश की है लेकिन कम नहीं हो रहा, या फिर आपका BMI 35 से ज़्यादा है और आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या इनमें से कोई भी दो बीमारियां हैं, एक या दो बीमारियां, तो फिर हम ये सर्जरी कर सकते हैं। इस सर्जरी के लिए एक एज क्राइटेरिया है 18 से 65 साल, लेकिन ये चीज़ थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है बिकॉज आपको पेशेंट की एज देखनी होती है। कई बार हम 70 साल में भी ये सर्जरी करते हैं अगर पेशेंट फिट है। आपको ये देखनी है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और आपको अचरज होगा कि इवन सबसे छोटी जो सर्जरी बेरियाट्रिक की इंडिया में हो रखी है वो 2 साल के बच्चे में भी हुई है। पर वो आप तब करते हो जब आप ये चीज़ क्लियर कर लेते हो कि उसको एंडोक्राइन इश्यूज हैं और वो इरिवर्सिबल है, और उसके लिए आपको उसे बेरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ रही है। क्योंकि जैसे जिस जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो बच्चा बेसिकली 45 किलो का था, तो उस केस में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए करनी पड़ी थी। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, पेशेंट फिट होना चाहिए हर एक साइड से जितना मैक्सिमम फिट कर सकते हो, और पेशेंट विलिंग होना चाहिए, पेशेंट बेसिकली ये होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। जैसे कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उनका वेट है 90 किलो 100 किलो, यंग पेशेंट हैं, तो उनमें यूजुअली मास लटकने का इशू इतना नहीं होता है अगर आप पोस्ट सर्जरी टोनिंग एक्सरसाइजेस करो। जैसे बॉडी टोन करने के लिए वेट एक्सरसाइजेस, लाइट वेट एक्सरसाइजेस, वो अगर आप करते तो नहीं मास लटकता, बिकॉज उनमें आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि अगर 100 किलो का है और अगर उसका आइडियल वेट है 50, तो उसका वेट लॉस होगा 30 किलो के आसपास, तो उसमें इतना स्किन लटकने का इशू नहीं आता है। लेकिन जब आप बात करो, जैसे आपने कहा कि 150, 200, 250 किलो, उनका वेट लॉस जो होता है ऑलमोस्ट 100 किलो के आसपास हो जाता है, 100-125 किलो तक उनका वेट लॉस होता है। जब इतना सीवियर वेट लॉस होगा तो ऑब्वियसली मास लटकने की वो प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें आगे जो है हम उसे कहते हैं बॉडी कंटूरिंग। तो वो फिर हमारा जो बेसिकली प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं, वो फिर हम उनकी हेल्प लेते हैं, वो बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज करते हैं, जिसमें हम फिर लाइपोसक्शन, टमीटक और ये चीज़ें करते हैं कि जिससे हम उस बॉडी को वो कॉस्मेटिक शेप दे सके जो पेशेंट चाह रहा है। क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो कॉस्मेटिकली नहीं अच्छा दिखेगा तो फाइनल रिजल्ट ऑफ द सर्जरी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पर जब उसका वेट लॉस 1 से 1.5 साल में आपका पूरा वेट लॉस होगा, तो जब आपका 1-1.5 साल में वेट लॉस होकर स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद हम फिर आपको एक प्लास्टिक सर्जन को दिखाते हैं जो बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स करके आपके बॉडी को एक अच्छी शेप देते हैं। फीमेल और मेल में सर्जरी की जो टेक्निक है, तरीका है, सारी चीज़ें सेम है। बॉडी कंटूरिंग जैसे मैंने बताया, वो बेसिकली फीमेल्स थोड़ी ज़्यादा प्रो रहती हैं, बाद में आगे जाए कि उनको एक उनका पहले भी इशू होता है, कई ऐसी होती है जिनका बेसिकली डिलीवरी हुई होती है, तो वैसे भी उनकी बॉडी की शेप थोड़ी सी
ये डिलीवरी के बाद थोड़ी सी दिक्कत देती है, तो उनमें बॉडी कंटूरिंग थोड़ा सा प्रोसीजर्स ज़्यादा मैंने देखा है कि हमारे पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं पूछने के लिए कि सर ये लटक गया, तो फीमेल पेशेंट्स वो ज़्यादा होती है, नहीं तो अदरवाइज सर्जरी और उसकी टेक्निक मेल फीमेल में सेम है। दोस्तों अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो अपनी बॉडी में, कोई भी दर्द हो, कोई भी समस्या आपको लगता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो आप इसको प्लीज़ कभी भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपको पता है या आप जिस भी डॉक्टर को मिलना चाहें, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें, चाहे वो समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि कई दफ़ा छोटी समस्या बड़ा रूप कब ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता, और कई दफ़ा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से भी हमें डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने जो भी काम करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आप उसको नज़रअंदाज ना करें। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा और वॉक नियमित रूप से करें। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।